होता है पता है आपको? जमीन के नीचे बिछाया हुआ विस्फोटकों का जाल, सालों तक ये बम जमीन के नीचे रहते हैं, ऊपर से पता भी नहीं चलता, और किसी दिन कोई उसी जमीन पर गलती से पैर रख देता है तो बूम ब्लास्ट हो जाता है। पिछली सरकार ने भी जमीन के नीचे फैला कर रखा था घोटालों का ऐसा ही लैंडमाइन। नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक, 11,500 करोड़ का घोटाला। चारों तरफ बात हो रही है कि सरकार की नाक के नीचे से। 2011 जब देश में थी यूपीए की सरकार, जहां से जुड़े हैं पीएनबी घोटालों के तार। 2013 यूपीए की सरकार, इलाहाबाद बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर दिनेश दुबे के घोर विरोध के बावजूद आरोपियों को लोन की सौगात दी जाती है और दुबे जी को अपनी ही ईमानदारी के बदले नौकरी छोड़ने को विवश किया जाता है। 2013 यूपीए की सरकार, नीरव मोदी की हाई प्रोफाइल पार्टियों में दिखते हैं राहुल गांधी, और पार्टी के दूसरे दिन ही पास हो जाता है उनका करोड़ों का लोन। और उधर यूपीए देश की एक पैसे की चिंता किए बिना अपने दोस्तों को अरबों खरबों की लोन बिना कोलेट्रोल के प्रसाद की तरह बांट देती और हमारे अर्थतंत्र को डुबो देती है। और दोस्तों यही टूटा फूटा और करप्ट सिस्टम विरासत में मिला मोदी जी को। पर नरेंद्र मोदी जी ने भी जमीन में छुपे इन बारूदों को एक के बाद एक उजागर करना शुरू कर दिया। जानकर चौंक जाएंगे आप कि 2014 में स्ट्रेस एसेट्स के केवल 34% को ही एनपीए करार दिया गया था, जबकि मोदी जी के स्ट्रिक्ट रिव्यू के बाद पता चला कि भैया एनपीए तो 82% थे। मोदी जी के कड़े फैसलों और पारदर्शी सिस्टम की वजह से ही नरेंद्र मोदी की सरकार में इतना बड़ा पीएनबी घोटाला उजागर हुआ। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से जुड़ी हर जगह पर छापेमारी हुई। सिर्फ 24 घंटों के भीतर ही घोटाले की 50% से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। नीरव मेहुल के पासपोर्ट तक सीज कर लिए गए। फिर भी चलो हम राहुल जी की थियोरी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही पीएनबी का कांड हुआ। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के पास कोई टाइम मशीन है कि फ्लैशबैक में जाकर नीरव मोदी की फाइलें 2011 में डालकर सो गए और अब सीधे 2018 में जाके? वाह, क्या कमाल के लॉजिक है राजकुमार के, वाह। तो दोस्तों अब हमें सोचने की जरूरत है कि 11,000 करोड़ का घोटाला तो सामने आ गया, पर जिन्होंने देश को 70 साल तक दिन रात लूटा और घोटालों की लैंडमाइन बिछाई है, उससे देश को कैसे बचाएंगे? कौन सा सिस्टम हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा? एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट अर्थतंत्र या वंशवादियों की सरकार? फैसला आपका है। काजल हिंदुस्तानी की ओर से आप सभी को जय हिंद।